है हमारी प्यारी अमायरा। फिर वॉइस ओवर के साथ अमायरा भी कुछ कहना चाहती है, समझ लेना उसकी कोड लैंग्वेज। अमायरा जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, ज़िंदगी चेंज हो गई है। और सबसे बड़ा चेंज तो और डिफ़िकल्ट टास्क मेरे लिए था, ब्रेस्ट फीड करना। इस प्यारी सी बेबी को खाना खिला पाऊँ, ये एक माँ का लक्ष्य बन चुका था। और कैसे इस लक्ष्य में मैं सफल हो पाई, उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। बाय द वे, अमायरा की इसी तरीके से क्यूट क्यूट फोटो और वीडियोज़ देखनी होंगी आपको, तो आप अमायरा का इंस्टा हैंडल है, उसको फॉलो करना, amayrashrma.2022। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ, अब इन में ही डूब के हो जाऊं पर यही है दुआ। गाइस, बहुत दिनों से ब्यूटी टिप शेयर नहीं किया है ना। चलो, इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के पहले, बाद और दौरान भी मेरे चेहरे में ग्लो कैसा रहा, वो नेचुरल DIY फेस वॉश और उपटन लगाया मैंने चेहरे पे। ये बनाने के लिए आपको सिंपली बेसन लेना है और दही घर की जमी हुई होनी चाहिए, और हल्दी लीजिएगा जो कि किचन में यूज़ करते हो, वो हल्दी ना लेना, कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक लेना, मैंने एल्प्स का लिया हुआ है, आधा चम्मच ही लिया, आधा से भी आधा लिया है। एंड यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच घर की बनी दही। अगर दही नहीं है तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हो, कच्चा दूध मतलब जो उबाला ना गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और आपका DIY फेस वॉश रेडी है। ये यूज करती हूँ जिसकी वजह से स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, इसके अंदर जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, मेरे फेस पे कभी भी एक्ने पिंपल मतलब जल्दी नहीं आते, कभी कभार ही आते हैं इसकी वजह से। और इसके इस्तेमाल से पिगमेंटेशन, दाग धब्बे भी चेहरे से दूर रहते हैं। एल्प्स गुडनेस वाइल्ड टर्मरिक पाउडर मैंने यूज किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सर, मैं अपनी DIY में यूज करती हूँ क्योंकि ये कस्तूरी हल्दी 100% नेचुरल, इसके अंदर कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं DIY उबटन कैसे बनाती हूँ हल्दी की हेल्प से। तो घर के अंदर जो भी दालें होंगी ना, चाहे वो मूंग की हो, अरहर की हो, चावल हो, कोई सी भी दाल हो, आप वो ले सकते हो और उसको हल्दी के साथ आप ऐड कर दीजिए। हल्दी आपको 1/2 टीस्पून ही लेनी है और उसके अंदर आप या तो कच्चा दूध या फिर दही मिक्स कर दीजिए, वो दरदरा पीस बन जाएगा। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में दालों को पीसोगे तो उबटन का काफ़ी अच्छा काम करता है। फेस और चेहरे पे लगा लो, 15 मिनट बाद उसको इस तरीके से स्क्रब करते हुए निकाल लोगे, दैट्स हाउ यू गेट ग्लोइंग स्किन एंड बॉडी। ये DIY रेमेडी तभी वर्क करेगी जब आप हल्दी प्रॉपर लोगे। कस्तूरी हल्दी लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके हेयर स्किन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी शादी हुई हो, नहीं हुई हो, बच्चे हैं नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी तो शादी होगी और बच्चे होंगे, और ऐसे में जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मुझे करना पड़ा। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान कर देगी। अगर मुझे ये टिप्स पता नहीं होते तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता, मेरी बेबी को फीड करना, उसको मैं दूध नहीं दे पाती तो उसकी हेल्थ सही नहीं रहती। लेकिन मैं ये कर पाई कुछ गलतियों से सीख करके, कुछ तकलीफ़ों से गुजर करके। सो वही सारे एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, बात करेंगे हाउ टू ब्रेस्ट फीड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बहुत सारे सवाल आए कि मैं ब्रेस्ट फीड कैसे करती हूँ, मैं बच्चे को बॉटल से क्यों दूध दे रही हूँ, या अलग सा एक टूल मैंने दिखाया था अपने व्लॉग में, उससे मैं दूध क्यों पिला रही हूँ, अपना दूध क्यों नहीं पिलाई स्टार्टिंग के व्लॉग्स में। तो वही सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हुआ ये था कि हमने ट्राई की थी नॉर्मल डिलीवरी पर हुई मेरी सी सेक्शन, और सी सेक्शन के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन सबका अच्छे से नहीं हो पाता है। मेरा सी सेक्शन जब हो गया तो मेरी बेबी मेरे पास 2 घंटे बाद फीड के लिए नर्सेस लेकर के आई। जब आपका सी सेक्शन होता है हम खुद अच्छे से बैठ भी नहीं पाते और फीड भी नहीं करा पाते, तो ऐसे में नर्सेस हेल्प करती है। इनकेस इन फ्यूचर आपका सी सेक्शन हो तो आपको पता होगा ये सारी बातें, अगर आप ये वीडियो गौर से सुनोगे तो, इसीलिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था। वह ये कि मुझे बिठाया गया और क्योंकि सी सेक्शन था मैं बेबी को ऐसे होल्ड नहीं कर सकती थी, तो एक फुटबॉल पोज होता है तो यहाँ पे 2 तकिए लगा करके बेबी को इस तरीके से मुझे दिया गया और मेरे ब्रेस्ट से अटैच किया गया ताकि वो फीड कर पाए। अब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको लैच करना आता नहीं है तो वो फीड नहीं कर पाती है, तो ऐसे में बच्चे को भी सीखना होता है, मदर को भी सीखना होता है। और मेरे को सीखने के लिए नर्सेस थी वहां पे, तो नर्सेस वहां मुझे बार बार हेल्प कर रही थी, वो आ करके ब्रेस्ट को प्रेस करती एंड देन बेबी को मेरे ब्रेस्ट के पास लाती और मुझे सिखाती कि किस तरीके से लैच करवाना है। सो जब उन्होंने मेरा मिल्क निकालने का ट्राई किया, सो फर्स्ट टाइम मतलब आपको ऐसा रहेगा बहुत सारा दूध आएगा। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब उन्होंने नर्सेस मेरे ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ही मिल्क आ पा रहा था और वही कुछ ड्रॉप से ही बेबी को फीड करते थे। हर 2 घंटे बाद 20
मिनट से लेके आधे घंटे तक के लिए बेबी को हम फीड कर रहे थे, मतलब नर्सेस थी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, हम तीनों मिलकर के लगे थे बेबी को फीड कराने में, सब मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। बट मैं एज अ पेरेंट मुझे लगता था कि कुछ बूंद ही तो निकल रही है, और कभी वो भी नहीं निकलती थी। तो ऐसे में कुछ टूल्स होते हैं जो आपको नर्सेज देती हैं, रेकमेंड करती हैं यूज करने के लिए। मुझे सबसे पहले ये वाला टूल दिया, तो इसको क्या करते थे वो लोग, ऐसे मेरे निप्पल पे रखते थे, प्रेस करते थे, तो ये सक्शन के थ्रू ये मिल्क खींच लेता था मेरे निप्पल से। तो इसके अंदर थोड़ा दूध आता था, मैं इसको हटाती थी, फिर बेबी को वो दूध पिला देती थी। स्टार्टिंग में एक आध बूंदे ही आ पाती थी इससे। अब जब मैं ये ट्राई करती हूँ तो बहुत सारा दूध निकल आता है, तो मैं ये वैसे ट्राई भी नहीं करती अब। जब दूध आने लगे था तो ये काम का नहीं रहता, जब स्टार्टिंग में आपका दूध नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में नर्सेज आपको ये लेने के लिए रेकमेंड करती है। इस निप्पल पुलर की हेल्प से वो निप्पल पे रखते थे, इसे प्रेस करते थे, देन पुल कर देते थे, देन मिल्क निकलता था, एंड देन बेबी को फीड करा पाती थी मैं इसकी मदद से। एंड जो पहला दूध होता है बेबी का, थोड़ा येलो कलर में, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, थोड़ा वाटर जैसा भी होता है, वो पिलाना बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के मुंह में सबसे पहले माँ का दूध वही वाला जाए। बहुत पहले माँ का दूध पिलाती ना बच्चे को, तो पहले बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एकदम हल्का व्हाइट कलर का पानी सा निकलता है जो मिल्क होता है, तो वो बच्चे की प्यास बुझाता है। उसके बाद में गाढ़ा दूध निकलता है जो बच्चे की भूख को शांत करता है। तो भगवान ने, कुदरत ने हम लोग को कुछ इस तरीके से बनाया है कि पानी और खाना दोनों ही एक साथ ब्रेस्ट में आ जाते हैं, तो अलग से कुछ और खिलाने की जरूरत नहीं है। बाद में मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मेरे निप्पल्स ना फ्लैट हैं और ब्रेस्ट काफी हैवी है, तो हैवी ब्रेस्ट है दैट्स ओके, बट क्योंकि निप्पल्स फ्लैट है उसकी वजह से मेरी बेबी अच्छे से लैच कर ही नहीं पा रही थी, तो दूध पिलाने में मैं सक्षम नहीं थी। तो इसीलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें और आगे चल करके आई। बहुत बुरा लगता है यार कि माँ होकर के दूध है आपके पास लेकिन आपका बेबी पी नहीं पा रहा है, पिला नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ मतलब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन सही टूल्स टेक्निक्स अगर ट्राई करें तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, मुझे मिले बाद में आगे चल के। वैसे मुझे लगता था कि मेरे अगर कुछ बूंदी निकल रही है, मतलब हार्डली पूरे आधे घंटे की फीड में आधा चम्मच ही दूध मेरे बच्चे को मिल पाता था मुझसे, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं इससे ज्यादा दे ही नहीं पा रही। बट डॉक्टर ने बोला That's okay. First day ऐसा होता है, दूध बनने में आने में टाइम लगता है, ठीक है, तो घबराए ना, मैं तो घबरा गई थी, बट आप मत घबराना, आप ट्राई करना। आपका जब बेबी बॉर्न हो ना तो आप उसको स्किन टू स्किन दें, ठीक है। स्किन टू स्किन देने से आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि बेबी है, बेबी भूखा है, बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो मिल्क बनता है, तो ये देना काफी ज्यादा जरूरी है। बेबी के साथ अच्छा खासा कोजी टाइम स्पेंड जरूर करें। इंडिया में उतना डॉक्टर्स नहीं करते, मुझे भी उतना ज्यादा जस्ट ऑपरेशन के बाद स्किन टू स्किन करने को नहीं मिला। और मदर दोनों को जरूरी है कि वो बेबी न्यू बॉर्न होते ही उसको स्किन टू स्किन प्रोवाइड करें। कुछ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अगर दूध नहीं बन रहा है तो वो बेबी को फॉर्मुला मिल्क देते हैं, लेकिन फॉर्मुला मिल्क देना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि अपना दो, क्योंकि ये बेस्ट है, इसके कंपेयर में दुनिया की कोई भी चीज है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये ना हो पाए, सारी चीजें आपने ट्राई कर ली, तब थक हार करके फॉर्मुला मिल्क पे जाना, पहले नहीं जाना, घबराना नहीं। अगर आपका बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरीके का पंप मशीन आती है, मैनुअल भी आती है, इलेक्ट्रिक भी आती है, ये इलेक्ट्रिक वाली है, इससे आप पंप करके दूध निकाल सकते हो। मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने बेबी को ये लिफ्टी कप होता है, या तो आप कटोरी चम्मच से दूध पिला सकते हो या फिर इससे पिला सकते हो अपना, अगर दूध निकालते हो तो निप्पल से नहीं पिलाना होता है, जो इस तरीके के बॉटल्स वाली निप्पल्स होती है, इससे ट्राई करो अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फिर बेबी को निप्पल की आदत लग जाती है ना, तो फिर वो आपका ब्रेस्ट लैच नहीं करता, क्योंकि उसका थोड़ा अलग है, उसमें बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फटाफट फटाफट दूध उसके मुंह में आ जाता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार अर्जेंट आपको करना है तो कर लो, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आप पंप के थ्रू या एक्सप्रेस करके अपना मिल्क निकाल रहे हो, तो इसके निफ्टी कप के अंदर मिल्क डालो एंड देन आप अपने बेबी को पुलाओ। यहाँ पे ना चम्मच जैसा शेप दे रखा है, तो कटोरी चम्मच वाला काम ये करता है। जब भी ये सब चीजें यूज करो, अच्छे से स्टेरिलाइज कर लिया करो। तो इसको कैसे यूज करना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। पहले अपने ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से मसाज कर लो एंड देन इसको प्लेस करो, आपका जो निप्पल होगा ना उसके बीचों बीच जाना चाहिए, एंड देन आप मशीन ऑन कर दोगे, उसमें बहुत सारे लेवल सेटिंग होती है, वो ऑन करो, इसके अंदर दूध भर जाता है, एंड देन आप निफ्टी कप के अंदर डाल करके बेबी को फीड कर सकते हो, अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है तो। फिर मैंने ये वाला ऑप्शन ट्राई किया। फर्स्ट डे मैं आधा चम्मच निकाल रही थी, सेकेंड डे मैं कम से कम 10-15 ml निकाल पा रही थी इसके थ्रू, और फिर मुझे लगा कि चलो मेरे बच्चे का पेट भर रहा है, कितना सुकून मिला। लेकिन इसके ऊपर हमेशा के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको कोशिश करते रहना है कि आप अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट मिल्क लैच करा करके ही पिला पाओ। सो गाइस, बिग डॉल उठ गई है थोड़ी देर के लिए, वैसे फीड करा चुकी हूँ, अभी भी नींद में ही है। तुझे बेटा सो जा,
तो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, इसको निफ्टी कप से पिला रही थी, तो सब कह रहे थे कि आप बॉटल का दूध फॉर्मुला मिल्क क्यों पिला रहे हो, अपने बच्चे को अपना मिल्क क्यों नहीं पिला रहे हो। लोगों को पता नहीं होता है कि अपना दूध निकाल करके ऐसी मशीन आती है जिससे हम अपना दूध निकाल सकते हैं, बच्चे को पिला सकते हैं, तो इसीलिए वो ऐसे कॉमेंट कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं फॉर्मुला मिल्क नहीं दे रही हूं, मैं अपना ही दूध दे रही हूं, ठीक है, निकाल करके। मैं जितना हो सकता है उतना फॉर्मुला मिल्क अवॉइड कर रही हूं। कभी बहुत अर्जेंट पड़ा कि मैं किसी हालत में नहीं हूं, अवेलेबल नहीं हूं, तो हम इनकेस कभी देखेंगे, बट हम नहीं दे रहे हैं, हम अपना ही दूध दे रहे हैं, ओके, है ना बेबी। बट इस मशीन को यूज करते टाइम ये ध्यान रखना कि इसका स्पीड कम ही रखना, ज्यादा मत रखना। मैंने गलती से इसका स्पीड ज्यादा रख लिया था, मतलब मैं 5 वाली स्पीड पे यूज कर दी थी, मैंने 7 या 8 कर दिया था गलती से, एंड मैंने देखा नहीं और बटन दब गया, और जब मैंने देखा इतनी स्पीड है, मेरे को बहुत पेन हुआ, उससे इतने पावर से ऐसे सक कर लिया ना, पेन हो गया मेरे निपल्स में। तो जब मैं बेबी को फीड करा रही थी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे लगा इसकी वजह से, क्योंकि बहुत तेज इसने खींच लिया था। सोचो ना, आपकी स्किन को कोई बहुत तेज खींच लेगा तो आपको दर्द होगा ना, ऐसा मुझे लगा कि इसकी वजह से हुआ। 2 हफ्ते मैं पेन में रही, मुझे लगा अपने आप ठीक हो जाएगा, अब इसके ऊपर क्या दवाई लगाऊं, कोई दवाई थोड़ा लगा सकते हैं, बच्चा तो ब्रेस्ट आपका मुंह में लेके पीता है तो कैसे दवाई लगाओगे। एंड जब भी मैं पिलाती हूँ मुझे इतना पेन होता, मेरी चीखें निकल जाती, मेरे आंसू आ जाते, ये पीती और मेरे आंसू आ रहे होते, ऐसा लग रहा था मेरी स्किन से खून ही निकल आएगा दूध की जगह, मैं बहुत पेन में थी। और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ऐसे पेन सफर करती होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बाद में मैंने लैक्टेशन को अपने घर बुलाया और उनसे चेकअप कराया, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए जो कि बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, और अब मैं इसको फीड कराती हूं तो मुझे पेन नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला एक तो आप अगर आपको लगता है कि पेन है, उन्होंने चेक किया कोई कटवट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पंप की वजह से नहीं हुआ है, आप लैच प्रॉपर नहीं करा रहे हो। चल अगर आपको पेन है तो ये निप्पल शील्ड होता है, ये निप्पल के ऊपर लगाओ एंड देन पिलाओ। ये आई थिंक सिलिकॉन का है, तो जब बेबी पीती है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उसका निप्पल से नहीं होता है, तो जब इससे पीती है तो पेन आपको नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी मुझे पेन हुआ, ये मेरे लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहा। देन उन्होंने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टिप बताई कि जब बेबी को लैच कराते हो, अगर बेबी के मुंह में आपका निप्पल है सिर्फ, तो आपको पेन होगा, और सिर्फ निप्पल ही आपकी बेबी लैच करेगी तो उससे उतना मिल्क नहीं निकलता है। पता है क्या क्या उन्होंने प्रेस करके दिखाया मुझे, एरियोला के पास प्रेस किया और मैं हैरान रह गई, वो मेरा मिल्क प्रोडक्शन देखना चाहते थे। मेरा दूध ऐसे निकला जैसे, मतलब गाय से कैसे वो दूध वाले दूध निकालते हैं, तो कैसे धार निकलती है नलके की तरह, है ना, बहुत सारा ऐसे ऐसे निकल रहा होता है, सेम वैसे ही बहुत सारा निकला कि मैं इसके मुंह पे पूरा दूध दूध गिर गया, धार से निकली। मैं हैरान कि सच में मैं इतना मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो मुझे लगता था पता नहीं मैं कितना मिल्क कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो वो जब उन्होंने प्रेस किया तो बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देखा, एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड कि आपका मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत ही अच्छा है, क्या कर रहे हो ऐसा। मम्मी ने बहुत सारे टिप्स बताए थे, मम्मी जब आई थी, ये रही मम्मी और ये रही मम्मी की गुड़िया तो मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की थी इसको लैच कराने में। फिर मम्मी ने बताया कि इसको ऐसे पिलाया, ऐसे लैच करा, फिर ना मुझे पेन हुआ, ना इसको दूध की कमी आई, फिर तो मैं मदर डेयरी जैसी बन गई कि दूध का अनलिमिटेड प्रोडक्शन अपने बेबी को पिलाती रही और ये मस्त 4 किलो की हो चुकी है। तो अच्छा वेट बढ़ा और मैं ये कर पाई, मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, लेकिन अब मैं कर पा रही हूँ कुछ टिप्स की वजह से जो मम्मी ने दिया और जो मुझे डॉक्टर ने बताया। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएगी तो आपके पास तो अब तो सॉल्यूशन पहले से ही है। कितनी छोटी और सिंपल बेसिक सी चीज थी ना कि बच्चे के मुंह में सिर्फ निप्पल ही नहीं, निप्पल के साथ एरियोला वाला हिस्सा भी दो, और ये मुझे नहीं पता था। और सच में मेरे फ्लैट निप्पल्स भी है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये टिप जस्ट एक टेक्निक उन्होंने बताई कि पहले अपने ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ो एंड देन बेबी के पास झुक करके मत जाओ, आपको बेबी का सर होल्ड करना है और बेबी को अपने पास लेकर के आना है, ठीक है। अब मैं डेमो तो आपको शो करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज अपने इलेक्ट्रिशियन को कंसल्ट जरूर करना, ठीक है। तो एक हाथ से आप अपने निप्पल पकड़ो, एक हाथ से बेबी को पकड़ो, निप्पल को उसके लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर ऐसे ऐसे टच करो, वो जब मुंह खोलता है बेबी, जैसे ही बड़ा मुंह खोला तो आपको बेबी का सर पीछे से पकड़ना है एंड देन ब्रेस्ट के साथ उसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो जैसे बच्चे ने बड़ा मुंह खोला, आपने निप्पल के साथ अटैच कर दिया, तो उसका बड़ा मुंह निप्पल के साथ और एरियोला के साथ अटैच हो जाता है, फिर वो अच्छे से बेबी लैच कर पाता है, जैसे में आपको पेन नहीं होगा। और वहां पे एरियोला को जब बेबी प्रेस करता है तो दूध का फ्लो अच्छा बेबी के माउथ में जाता है, ठीक है। और फिर आप बेबी का वजन करना, अच्छा खासा वजन आ जाएगा, क्योंकि आपका दूध बन रहा है, बच्चा पी रहा है, और माँ को चाहिए ही क्या। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी गाइस, बहुत ज्यादा, लेकिन ये सारे टिप्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया, अब अपने बेबी को बहुत अच्छे से दूध पिला पाती हूँ। मैंने और चीज पूछा कि मैं क्या बेबी को पैसिफायर दे सकती हूँ, कुछ ऐसा होता है पैसिफायर, अगर बेबी रोते हैं तो उनके मुंह में डाल देते हैं। पहले मैंने यूज किया कुछ टाइम, पर डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको वो यूज नहीं करना चाहिए, अगेन मेरा निप्पल उसके माउथ में जाना ही नहीं चाहिए। मिल्क के अच्छे प्रोडक्शन के लिए मैंने डाइट अच्छी ली डिलीवरी के बाद, मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया, घर का हेल्दी खाना ही खाया, मुझे पूरी डाइट लिस्ट दी गई थी, डाइट चार्ट आप देख रहे हो,
मंडे टू वेडनेसडे क्या क्या है तो ये मुझे फॉलो करना है हॉस्पिटल की तरफ से, तो वही सारा मैंने खाया और मम्मी ने रेकमेंड किया मेरा मिल्क प्रोडक्शन और अच्छा हो, इसके लिए मम्मी मेरे को दाल का पानी भी दे रही है। कौन सी दाल देते हो मम्मी? अजवाइन खाओ, जीरा खाओ, गर्म पानी पियो, लाल मसूर की दाल उसको बॉईल करके उसका पानी पियो, उससे बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता तो ये सब चीजें आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बेबी को लैच करने से पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट मसाज आप अपने हाथ से कर लेना तो भी अच्छा स्टिमुलेट हो जाता है और मिल्क फ्लो अच्छा बेबी के माउथ में जाता है। फर्स्ट डे में आधा चम्मच दूध प्रोड्यूस कर पा रही थी, बट आज की डेट में एक ब्रेस्ट से मैं 100 से 150 ml दूध निकाल पाती हूँ। इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन मेरा हो रहा है, इतनी तकलीफ देखने के बाद कहाँ आधा चम्मच और कहाँ 150 ml निकाल पाना। रिजल्ट मिला मुझे इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद, थैंक्स टू माय मॉम, थैंक्स टू माय डॉक्टर, थैंक्स टू यू ऑल फॉर योर लवली ब्लेसिंग्स। हाँ, मैं ये भूल नहीं सकती। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि अपने वीडियो से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। कहाँ मेरा सिर्फ आधा चम्मच कुछ बूंदे दूध निकलती थी, मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी, मैं बहुत रोती थी, निप्पल्स में क्रैक आ गया था, बहुत दर्द होता था, एकदम ऐसा लगता था खून ही निकल जाएगा, इतनी पेन में थी। मैं बच्चे को दूध पिला रही थी और यहाँ से दूध निकल रहा था बूंद बूंद में और यहाँ से मेरे आंसू निकल रहे होते थे, मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में हुआ करती थी। मिल्क प्रोडक्शन नहीं था अच्छा, बेबी को दूध ना दे पाओ तो एक माई समझती है कि उसको कितना बुरा लगता है। इन सबसे मैं रिकवर होके आ पाई इन सारे टिप्स की हेल्प के थ्रू। आप भी ये फॉलो करना जब आपको जरूरत पड़े और इस वीडियो को सारी गर्ल्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि आने वाली जिंदगी में उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े। मुझे सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हमारा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहां हम अपनी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग दिखाते हैं, तो वहां हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। टेक केयर, आई विल कैच यू, बाय गाइस।